सोशल मीडिया को जो लोग यूज करते हैं, ये लोगों ने गलत तरीके से समाज के अंदर एक जहर घोल दिया। आज दिल्ली में और दिल्ली क्यों पूरा भारतवर्ष में ऐसा बाबा के धावा बहुत सारे है, ऐसा तो नहीं है जो मालवी नगर का जो बाबा कांता प्रसाद जी अपना दिन गुजार रहे थे पूरा कोविड 19 का जो ये सिचुएशन है, पूरा देश में ऐसे बहुत सारे बाबा की धावा है जिसमें सब लोग खेल रहा था। तो आज एक बाबा को क्यों करा गया, वही हालत तो बहुत सारे बाबाओं का था। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस, तो मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। समाचार 24 प्लस की टीम ने कल बाबा के ढाबा मालवीय नगर दिल्ली में सर्वे किया, जहां पे पता लगा बाबा का ढाबा बंद हो चुका है सिर्फ एक यूट्यूबर गौरव के कारण। गौरव हसन ने एक वीडियो बनाई, वायरल करी, टीआरपी कमाई, पैसा कमाया, आज बाबा को कोई भी इज्जत नहीं मिली। बहुत लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, बाबा ने आत्महत्या करने की कोशिश करी, आज बाबा सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है, उनकी वाइफ उनके साथ है और बाबा का ढाबा बंद हो चुका है, बाबा का रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। इसी बात पे बात करेंगे इंद्रनील भट्टाचार्य जी से, नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन के जो ट्रस्टी हैं। सबसे बड़ी बात, इंद्रनील जी ने पहले ही कहा था, बहुत पहले हमारे चैनल पे इंटरव्यू दिया था, बाबा का ढाबा एक दिन बंद हो जाएगा, रानू मंडल की तरह बाबा का कोई वजूद नहीं रहेगा, वो आज बात सच हो गई। सर बहुत बहुत स्वागत। आपको ये चीज सर पता कैसे थी, आज से 6 महीने पहले आपने इंटरव्यू दिया था बाबा का कोई वजूद नहीं रहेगा, आज बाबा खुद भी नहीं है, बाबा का ढाबा नहीं है, बाबा का रेस्टोरेंट नहीं है, बाबा ने आत्महत्या कर ली है। देखिए, आपके चैनल में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आज से 6 महीने पहले जब आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था, समाज के अंदर आज जो ये यूट्यूबर्स जो सोशल मीडिया को जो लोग यूज करते हैं, ये लोगों ने गलत तरीके से समाज के अंदर एक जहर घुल रहा है और इसका शिकार हो रहा है एकदम समाज में, जो दिन एवरी डे जो लाने आने खाने में बिजी रहता है, जो एकदम गरीब किस्म के निम्न वर्ग का जो आदमी है, इसके ऊपर प्रभाव। आप खुद सोशल मीडिया यूज करते हैं, सब जगह आपका इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह आईडी है, आप भी सोशल मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं? देखिए, मैं सोशल मीडिया को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया को जो यूज करने का जो तरीका है उसको मैं ब्लेम कर रहा हूँ, मैं कोई सोशल मीडिया को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आज अच्छा है सोशल मीडिया है, तो आज सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे काम का चीज लोगों के पास पहुंच रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे जो नेटिजन है, बहुत सारे यूट्यूबर्स है, अपना सही ढंग से कमा रहा है, लेकिन उसमें समाज का क्यों इस तरीके से हालत बनेगा, इसके थ्रू क्यों लोगों को परेशानी होगा? बाबा का ढाबा का सर, बाबा की गलती क्या थी? बाबा के पास एक मीडिया वाले गए, उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो इतनी वायरल हो गई, वहां नेता गए, सांसद गए, सबने अपनी राजनीति की रोटी वहां से की, आज बाबा आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। देखिए, बाबा तो एक प्लांटेड स्क्रिप्ट का एक नायक है, बाबा ने बनाया प्लान, ये जिसने इसको पहले प्रमोट किया। आज दिल्ली में और दिल्ली क्यों पूरा भारतवर्ष में ऐसा बाबा के धावा बहुत सारे है, ऐसा तो नहीं है जो मालवीय नगर का जो बाबा कांता प्रसाद जी अपना दिन गुजार रहे थे, पूरा कोविड 19 का जो ये सिचुएशन है, पूरा देश में ऐसे बहुत सारे बाबा की धावा है जिसमें सब लोग झेल रहा था, तो आज एक बाबा को क्यों करा गया, वही हालत तो बहुत सारे बाबाओं का था, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन का था, ठेकेदार ठेकेदार लोगों का था, किसी का तो आज प्रॉब्लम ऐसा इस तरीके से नहीं हुआ। पूरा भारतवर्ष में क्या एक ही काम रह गया है, जब बाबा का ढाबा आगे जाएगा, उसके बाद बाबा का रेस्टोरेंट होगा, उसके बाद बाबा फिर से ढाबा में आ जाएगा, फिर से वो सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। देश के पास क्या और कुछ काम नहीं है, इंसानियत दिखाने के लिए क्या एक ही बाबा का ढाबा रहे और बाबा के ढाबा नहीं है? मैं तो क्वेश्चन मीडिया से पूछूंगा। जो बाबा को पैसा मिला, वो पैसा भी उनको टीआरपी से ही मिला, लोगों ने उनको डोनेशन दिया, फंड दिया, ताकि बाबा अपना रेस्टोरेंट बना सके, बाबा ने रेस्टोरेंट बनाया लेकिन रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। जो बाबा के ढाबा में पैसा दिया है तो वो हर लोगों को हर दिन ऐसा बाबा को ढाबा को ढूंढ के हर लोगों को देना चाहिए, तब माना जाएगा इस देश के अंदर इंसानियत है, इस देश के अंदर मानवीयता है,
एक बाबा को हम लोग ऊपर उठाएंगे, उससे पैसा कमाएंगे, उसको पैसा देंगे और हमारा भी नाम होगा, हम बन जाएंगे बहुत बड़ा मसीहा, और उसके बाद वो बाबा आ जाएगा हॉस्पिटल के बेड में। ये कौन सा समाज होता है? ये कौन सा समाज में हम जी रहे हैं? हम अब बताइए, हम कौन सा समाज में जी रहे हैं? नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन जिसके आप ट्रस्टी हैं, वो संस्था किस तरह से सोचती है? आपका क्या मेंटेलिटी है कि मतलब ऐसे लोगों को प्रमोट करो तो दिक्कत, ना प्रमोट करो तो दिक्कत? बाबा ने क्या बोला था हमको प्रमोट करो? ये बात एक बार भी आप लोगों ने जानने के लिए पूछा बाबा को? जब बाबा को प्रमोशन चाहिए था या नहीं चाहिए था, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये तो काइंड ऑफ मर्डर, ये तो एक किस्म का खून हो गया उसके साथ। और नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का जो विचारधारा है, सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा है, आज के समाज में जो विचारधारा चल रहा है, ये विचारधारा से हम लोग सहमत नहीं है। तो सर जब आप सहमत नहीं है और नेताजी सुभाष जी की जो वो विचार है वो आज की जनरेशन कभी नहीं समझ पाएगी, ना उनके तालुकात मिल पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएगी? क्यों नहीं समझ पाएगी? आज सुभाष चंद्र बोस जी जब भारत से इतना बड़ा एक हीरो, जो पूरा नेशनल हीरो, जो आज देश के अंदर से अपना आजादी के लिए खुद अकेला चल के पूरा वर्ल्ड को उसने हिला डाला, तो आज हम क्यों नहीं समझ पाएंगे, क्यों नहीं सुधार पाएंगे? ये क्या हमारा मजबूरी नहीं है? आजादी की 70 साल बाद हम जब ये ना कर पाएंगे तो ये हमारा मजबूरी नहीं है? हम कौन सा आजाद जिंदगी में जी रहे हैं, कौन सा आजाद देश में जी रहे हैं? बाबा के ढाबे पे जब वो गौरव गए वीडियो बनाने, गौरव बसनी व्यक्ति का नाम है जिन्होंने वीडियो बनाई प्रमोट किया, बाबा बहुत खुश हुए कि कोई मेरे पास आया, उन्होंने मीडिया बनाया, यूट्यूब की एक बहुत बड़ी परिभाषा उनको समझ आई कि छोटे से बाबा का ढाबा कहाँ पहुंच गया। रानू मंडल एक भिखारी थी, उनको हिमेश रेशमिया ने मौका दिया, आज रानू मंडल का कोई वजूद नहीं है, बाबा का ढाबा बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी मीडिया जा रही है, वहां रिपोर्ट बना रही है, बंद बाबा के ढाबे पे भी न्यूज चल रही है, मतलब बाबा इतने फेमस हो चुके हैं सर। नहीं, बाबा फेमस नहीं है, एक्चुअली मीडिया वाले को खाना कम हो गया। ये जो मीडिया वाले का जो, मैंने बाबा के ढाबा के पास जब गए थे, एक बाबा जो रोटी और मटर पनीर बनाते हैं, उसके जो बैनर वहां पे लगा हुआ है जिसमें ट्विटर है, इंस्टा है, फेसबुक है और भी काफी सारा सोशल मीडिया का ऐप लगा हुआ है। बाबा का क्या इतना ताकत है जो ये इंस्टा हैंडल कर सके, ट्विटर हैंडल कर सके, फेसबुक हैंडल कर सके, फिर से बाबा का एक वेबसाइट भी है, तो ये तो लगता है मेरे को बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था, ये प्रमोशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी था। और आज बाबा के साथ जो हो रहा है, जो बाबा के साथ हो रहा है, ये एक मर्डर हो रहा है। बाबा की भगवान ना करे डेथ हो जाती है बाई चांस, एज भी बहुत है, उन्होंने आत्महत्या भी करी है, अभी वो 17 अप्रैल में बहुत हालत खस्ता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार वो यूट्यूबर होगा गौरव या कौन होगा? मैं इंडिविजुअली गौरव को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सोशल मीडिया का जो ये जो असत प्रक्रिया से चल रहा है, मैं इसको जिम्मेदार करूंगा। आज के समाज का जो लोग इस तरीके से चलते, ये समाज के लोगों को मैं जिम्मेदार करूंगा, क्योंकि आज एक बाबा को धाबा को ऐसा होगा तो आज से 10 साल बाद फिर से एक बाबा को, जैसे कि रानू मंडल को आए, एक बार भी आप लोग पता किया है रानू मंडल कहां गया? फिर से वो प्लेटफॉर्म में चला गया, तो जब उसको प्लेटफॉर्म मिल जाना था, उसको प्लेटफॉर्म से उठाया गया, क्यों उठाया गया? आज देश के टीआरपी के नाम पे मीडिया वाले जो कर रहे हैं, ये सही कर रहे क्या? छोटा छोटा बच्चे लोगों को गाना का प्रोग्राम में लाके क्या है ये लोगों का फ्यूचर? कहां जा रहे हैं हमारा फ्यूचर? आगे से 10 साल बाद ये लोग क्या सीखेगा? कौन सा समाज खड़ा होगा? इस समाज से सुभाष चंद्र बोस जी जैसा इंसान, भगवान पैदा हुआ था, और आज इस समाज में फिर से क्यों सुभाष चंद्र बोस पैदा नहीं हो रहा है? क्वेश्चन कीजिए, समाज को क्वेश्चन कीजिए। हम नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन की ट्रस्टी इंद्रनील भट्टाचार्य इस समाज से क्वेश्चन करते, सुभाष चंद्र बोस जी जैसा और एक देश नायक क्यों पैदा नहीं हुआ आज के देश में? ये देश का क्या अच्छाई है या बुराई है?